हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो चुका है और अभी हम हैं मुंबई में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई के लाल बाग चार राजा जी का दर्शन कराने वाले हैं, क्योंकि आज खुद हम यहाँ पर उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पूरे मुंबई में ना सबसे बड़ी प्रतिमा वहीं पर स्थापित की जाती है और वहाँ का जो डेकोरेशन है ना वो बहुत ही शानदार किया जाता है। वहाँ पर जितने भी एक्टर्स होते हैं, अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, अजय देवगन, सलमान खान, सभी लोग मुंबई के लाल बाग चार राजा जी का दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उनका आपको लाइव दर्शन कराने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर उनको देखना चाहते हैं। दोस्तों, मुंबई के लाल बाग चार राजा जी का बहुत ही बड़ा इतिहास है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मुंबई के लाल बाग चार राजा जी की हिस्ट्री क्या है, वहाँ पर उनकी स्थापना कैसे मतलब होती आ रही है, तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं। 1934 से उनकी स्थापना वहाँ पर की जाती है। और आपको हम बता दें कि गणेश जी से अगर वहाँ पे आप लोग सच्चे दिल से अपनी मन्नतों को मांगेंगे तो मन्नतें कभी खाली नहीं जाती हैं। जी हाँ गाइस, और आपको बता दें वहाँ पर ना करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, हजारों लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। और इसी के साथ में आज की इस वीडियो में हम आपको वहाँ का पूरा लाइव नज़ारा दिखाने वाले हैं और गणेश जी का दर्शन भी कराने वाले हैं, और ये भी दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगती है और किस सिस्टम से वहाँ पे सभी लोगों को दर्शन करने को मिलता है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, क्योंकि अभी हमें यहाँ से अपने घर से ऑटो से स्टेशन जाना है, स्टेशन से हमें लोकल ट्रेन पकड़ के चिंचपोकली स्टेशन जाना है, वहीं पर लाल बाग चार राजा जी का दर्शन करने को हमें मिलेगा। तो जैसे जैसे हम ट्रेवल करेंगे ना, आपको पूरा अपनी जर्नी दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, हम ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से स्टेशन की दूरी करीब 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर के लिए 21 रुपये किराया हमें देना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं और ऑटो वाले भैया यहीं पे अपना ऑटो रोकेंगे। अब चलिए इनका हम किराया दे देते हैं। तो फाइनली गाइज, हम ऑटो पकड़ के स्टेशन के पास आ चुके हैं। जस्ट आगे यहाँ पे कॉर्नर पे स्टेशन मिल जाएगा, जो कि है सेंट्रल रेलवे लाइन का मुलुंड रेलवे स्टेशन। अब हमें यहाँ से टिकट लेना है चिंचपोकली के लिए। अगर आप लोग लाल बाग चार राजा जाना चाहते हैं सेंट्रल लाइन से, तो आप चिंचपोकली या कर्री रोड जा सकते हैं, वहाँ का टिकट ले सकते हैं। ये दोनों नज़दीक ही पड़ता है, 300 से 400 मीटर की दूरी पे वहाँ से लाल बाग चार राजा जी का वो स्थान है। तो चलिए हम चलते हैं पहले स्टेशन के पास। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग मुलुंड रेलवे स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं। जब आप लोग ऑटो से उतरोगे ना, तो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे ही है, देखिए, मुलुंड रेलवे स्टेशन। और यहाँ से पहले हमें टिकट लेना है और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। तो यहाँ पे हमें किसी भी लाइन में खड़े होकर पहले टिकट लेना है, 10 रुपये लगेगा टिकट का। तो चलिए फिलहाल हम यहीं पर खड़े हो जाते हैं और टिकट लेते हैं, फिर टिकट लेके निकलते हैं। तो उधर देखिए, उधर ट्रेन आ रही है, अभी हम चल के आपको अंदर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे हाथ में आ चुका है टिकट, ये है 10 रुपये का चिंचपोकली तक का, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, हमें उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलना है। तो फिलहाल चलिए हम चलते हैं लिफ्ट से। दोस्तों, अभी हम मुलुंड रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 यहीं पर आएगी, जहां पर आपको ज़्यादा भीड़ दिख रही है। फिलहाल ज़्यादा भीड़ तो हर प्लेटफॉर्म पे होती है, लेकिन ये जो 2 नंबर की लाइन है ना, यहाँ से CST के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलती है, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए। यहाँ पर आपको छोटे छोटे शॉप भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको चाय, नमकीन और चिप्स और सब कुछ खाने को मिलेगा, बड़ा पाव आपको मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक लोकल ट्रेन 1 पे आके खड़ी है और ये 3 नंबर से एक लोकल ट्रेन निकल रही है, और हम भी अपने ट्रेन का गाइस यहाँ पर इंतज़ार ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमेशा यहाँ पर ट्रेन चलते हुए ही दिखेगी। देखिए, 2 नंबर पे AC वाली ट्रेन आ रही है, ये मुंबई की लोकल AC ट्रेन है, बहुत ही बड़ी खासियत है मुंबई वालों के लिए। मान लीजिए, जो थोड़े से अधिक पैसे कमाते हैं
उनको लोकल में बहुत कठिनाइयों के साथ सामना करना पड़ता है, तो वो लोग यहाँ पे इस ट्रेन से जाते हैं। तो ये एसी ट्रेन है की पूरी फिलहाल फाइनली हमारी भी ट्रेन आ चुकी है, मुंबई लोकल ट्रेन, तो हमको इसी में ट्रेवल करना है। देख सकते हैं आप लोग, अभी देखिएगा कि भीड़ कितनी है। देखिए लोग यहाँ पर दरवाजे पे लटके हुए हैं। मुंबई की भाई ये आदत है कि दरवाजे पे लटक के अक्सर लोग सफ़र करते हैं, वो बूढ़े हों, लड़के हों या आदमी हो, कोई भी हो भैया, लटकना सबको पसंद है और मुंबई की लोकल ट्रेन इसी के लिए खास मानी जाती है। तो चलिए अब हम भी बैठते हैं और आपसे डायरेक्ट चिंचपोकली मिलते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग चिंचपोकली रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं जहाँ पे लाल बाग चौराहा जी का पंडाल लगा हुआ है और आपको अभी वहाँ पर अंदर का पूरा लाइव नज़ारा दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको लोकेशन भी दिखाते चलते हैं कि अगर आप लोग आते हैं तो आपको कैसे जाना है। दोस्तों चिंचपोकली स्टेशन उतरने के बाद आपको आना होगा सीधा ईस्ट में और ईस्ट में आने के बाद आपको लेफ्ट मारना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको सीधा राइट मार के आना पड़ेगा और राइट आने के बाद आपको यहाँ से सीधा वो ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, उसी ओवर ब्रिज के नीचे से आपको लेफ्ट जाके करीब 100 मीटर से 150 मीटर की दूरी पे राजा जी का जो है उनका पंडाल लगा हुआ है, लाल बाग चौराहा जी का। तो अभी हम आगे चलते हैं और वहाँ से भी आपको दिखाते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग चौक पे आ चुके हैं, वहाँ पर लिखा है कै मधुसूदन पाटिल चौक, इसी चौक से आपको इधर मुड़ना है, ना कि इधर नहीं जाना है, ठीक है, इधर जाना है और हम इसी तरफ से आए हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं और बस कुछ ही दूरी पे उनका पंडाल लगाया गया है जहाँ पे मुंबई की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत सजावट भी यहाँ पर किया जाता है और रात में तो देखने लायक होता है गाइस, क्योंकि रात का नज़ारा ही बहुत ही अमेजिंग होता है। मतलब इतनी लाइटें लगाई गई हैं, इतना डिजाइन किया गया है कि अब हम आपको क्या बताएं। तो बस चलिए अब वहाँ पर जब मेन गेट पर पहुँचते हैं तो आपको कंटिन्यू वीडियो दिखाते रहेंगे, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। इस समय मुंबई में हर जगह गणेश जी की स्थापना की गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है गिरड़ गावंचा राजा, यहाँ पर भी अंदर गणेश जी की स्थापना की गई है। मतलब हर जगह अलग अलग नाम से इनको प्रसिद्ध किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह इस समय गणेशोत्सव को इतने धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अभी हम लाल बाग चौराहा जी के स्थान पे पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बगल में एक दिखाई दिए हैं चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल मुंबई, यहाँ पर भी गणेशोत्सव मनाया जा रहा है और काफ़ी अच्छे से इस गेट को सजाया गया है। ऊपर देखिए यहाँ पर भोले शंकर जी की मूर्ति बनाई गई है, काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में और इस गेट का भी डिजाइन काफ़ी कमाल का किया गया है जो कहीं ना कहीं अपने आप में आकर्षित करता है और लोग यहां पर आकर फोटो वगैरह भी क्लिक कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो कितना शानदार इस गेट को बनाया गया है। इस समय आपको मुंबई में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब हर जगह। इसकी स्थापना 1920 से होती हुई आ रही है, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है। तो फाइनली गाइज लंबे इंतजार के बाद हम पहुंच चुके हैं लाल बाग चौराहा के मेन गेट के सामने। वहां पर आपको मेन गेट आगे दिखाई दे रहा होगा, ये यहां का चौक है। बस अभी हम चलने ही वाले हैं, तो फिलहाल आपको यहां का नज़ारा दिखाते रहें। देखिए पुलिस प्रशासन भी यहां पर लगी हुई है और नो पार्किंग वालों की हालत ख़राब करके ये लोग रखे हुए हैं, क्योंकि इस समय गणेशोत्सव का त्यौहार चल रहा है और उसमें ये नो पार्किंग वाले जाम लगाने में माहिर होते हैं भाई, कहीं भी गाड़ी पार्क करके निकल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन बहुत ही अच्छा कर रही है। देखिए गाड़ियों की लोडिंग हो चुकी है, 5-6 घड़ियाँ लग चुकी हैं। तो मैं आपको ना सामने से दिखाना चाहता हूँ मेन गेट के रास्ते से। तो लाल बाग चौराहा के लिए यहाँ पर 2-3 गेट बनाए गए हैं। दोस्तों ये है लाल बाग चौराहा जी का
मुख्य द्वार, फिलहाल हमें इस रास्ते से एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि इस रास्ते को रोक कर रखा गया है। और ये जो आपको बैरिकेटेड दिख रहा है ना, इसी रास्ते से लाइनें लगती हैं और पूरा जो बगल का रास्ता है ना, उस रास्ते से अंदर जाके आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। तो अभी हम भी ये सभी लोग उधर ही जा रहे हैं, तो देखते हैं कि दर्शन करने के लिए मतलब क्या सिस्टम है, सब कुछ आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए इस दरबार को कितने अच्छे से सजाया गया है, ऊपर लिखा भी गया है लाल बाग चार राजा, जी हाँ। और इस गेट को कितने अच्छे से सजाया गया है, मोर पंख लगाए गए हैं, मोर लगाए गए हैं, हाथियाँ लगाई गई हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं गाइस और दर्शन करते हैं गणेश जी का। दोस्तों आप लोग गेट के अंदर जितनी भी दुकानें बंद देख रहे हैं ना, इन दुकानों को पैसा मिलता है, मतलब 11 दिन ये दुकानें बंद रहती हैं तो करीब इनको 10 से 12 लाख रुपए ये स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ के लोग देते हैं, जो लोग भी इस मूर्ति की स्थापना करवाते हैं, क्योंकि गणेश जी की इस प्रतिमा पर करोड़ों रुपए चढ़ाए जाते हैं। और इस टाइम यहाँ की अगल बगल की सारी दुकानों को ये लोग बंद करवा देते हैं कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और भीड़ ज़्यादा ना लगे। तो इन सभी लोगों को पैसा दे दिया जाता है उसके हिसाब से, 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख। तो ये लोग अपना भैया दुकान बंद ही कर लेते हैं क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा डबल पैसा मिल जाता है। तो चलिए हमको अब सीधा यहाँ से आगे चलना है। तो गाइज हमें एंट्री आगे से मिलेगी, तो देखते हैं कहाँ से हमें एंट्री मिलती है। इधर भी एक गेट बनाया गया है, शायद और आगे जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये सारी भीड़ जो मेरे आगे चल रही है ना, और आगे चल रही है। ओहो, ऐसे गाइस घूम के उधर से आगे से आना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी जबरदस्त यहाँ पे भीड़ लगती है। यहीं से हमें इधर मुड़ना पड़ेगा बस, अबे यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ से कोई कुछ भी फूल वूल वगैरह लेना चाहते हैं उनको चढ़ाने के लिए, तो लेकर चढ़ा सकते हैं। सभी लोग बाजू में ले लेके खड़े हुए हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ से मेन भीड़ देखने को मिलेगी जो कि आज के डेट में थोड़ी सी कम है। ये बाहर से लाइनें हैं, अंदर की जब आप लोग देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। यहाँ पर देखिए ये बाहर का नज़ारा है, अभी बाहर से ये लाइनें शुरू हो रही हैं और हमारे आगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हमारे पीछे भी अभी भीड़ लग चुकी है क्योंकि हम ही सबसे पीछे थे लेकिन हमारे पीछे और लोग हमसे पीछे हो गए। देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग उनका दर्शन करने के लिए खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी बढ़ चुकी है। तो गाइस फाइनली हमने भी प्रसाद ले लिया है यहाँ पे और अंदर चल रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं भाई, बहुत तगड़ी लाइन है गाइस। गाइज फाइनली हम लोग इस गेट के रास्ते अंदर आ चुके हैं और अब आपको यहां पर असली भीड़ देखने को मिलेगी। फिलहाल चेकिंग पोस्ट से हम लोग आगे निकल चुके हैं जहां पे हमारा बैग सब कुछ चेक हुआ है। यहां पर देखिए सुरक्षा बल भी अंदर भी तैनात है, वो लेडीज हो या जेंट्स हो। तो अब गाइज देखिए आप लोग असली कमाल, अब ये जितने भी घेरे बने हैं ना, हमको सबसे लास्ट वाले घेरे से घूम घूम के इन सभी लाइनों को क्रॉस करके जाना है, तब हमें उनका दर्शन करने को मिलेगा। अभी आप लोग यहाँ पे स्कूटी और ऊपर कई सारे होर्डिंग लगे हुए देख रहे होंगे जिसमें कई सारे ऐड का प्रचार किया गया है। ये सभी ऐड का प्रचार करने के लिए इन लोगों को, मतलब जितने लोग भी पंडाल को बनाते हैं और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, इन सभी लोगों को पैसा मिलता है तब ये लोग लगाते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ लास्ट वाले से घुसेंगे और हमको घूम घूम के ऐसे कॉर्नर के साइड से हमें उनका दर्शन करने को मिलेगा। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। आपको बता दें यहाँ पर लोग पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ आपको देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनको पता है
कि आप इस लाइन में जब खड़े होंगे तो आप बिना 2 से 2.5 घंटा के पहले निकलने वाले हो नहीं। जी हाँ, 2 से 2.5 घंटा आराम से आपका इसमें जाएगा, क्योंकि भीड़ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो गाइस फाइनली लाइन बहुत ही लंबी है, हमने भी प्रसाद ले लिया है। अभी करीब यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगने वाला है, क्योंकि हमें राउंड करके यहाँ पे उनका दर्शन मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमारे पीछे देखिए, जो ये हमारे बगल वाले लाइन आप देख रहे हैं ना, उधर बीच का ये रास्ता जो खाली है और उधर लोग भी खड़े हैं, तो इधर से हमें राउंड करके ऊपर बगल से सीढ़ी चढ़ के फिर उस वाले कॉर्नर पे जाके उन लाइनों में हमें खड़े होना है, फिर वहाँ से हमें निकल के उनका दर्शन करने जाना है। तो आपको हम दिखाते हैं गाइस कि जो लाल बागचा राजा हैं उनका दर्शन इतने आसानी से नहीं मिलता है, और आपको ये भीड़ देख कर समझ में आ गया होगा कि हाँ, लाल बागचा राजा जी इतने फेमस क्यों हैं, उनकी रियलिटी क्या है। अगर उनके में कुछ होता नहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लगती, ठीक है ना, सबसे पहली बात गाइस। तो इसलिए लाल बागचा राजा, अगर आप लोग मुंबई में हैं तो अगर आप लोग आ सकते हो तो ज़रूर यहाँ का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही सुकून मिलेगा गाइस। लेकिन आप अगर भीड़ में खड़े रह पाओ 1.5 से 2 घंटे तभी आप लोग आइएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा गाइज, क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं रहोगे, यहाँ पर आपको हजारों लोग दिखाई देंगे, लाखों लोग दिखाई देंगे। तो देख सकते हैं हमें यहाँ से घूम घूम के जाना है। फिलहाल मैं आपको पूरी जर्नी दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि लाल बागचा राजा जी के दर्शन के लिए कितनी कड़ी मेहनत के बाद उनका दर्शन मिलता है और कैसे कैसे जाना होता है, और आपको सब कुछ यहाँ पर लाइव मैं बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, प्रसाद भेजे देश में कहीं भी केवल पेटीएम से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर ना इतना ज़्यादा प्रसाद चढ़ाया जाता है कि इस प्रसाद को बाहर भी भेजा जाता है। और यहाँ पर जो आपको गैप ये बीच में दिखाई दे रहा है ना, अभी तो हम वहाँ से इस रास्ते से आ रहे हैं, अभी हम ये सारी लाइनें क्रॉस करके ना बगल से सीढ़ी गई है, सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ के फिर दूसरी पंक्ति में हमें जाना है, उसके बाद वहाँ से हम बाहर निकलेंगे, फिर भीड़ में जाएंगे, तब हमें बाबा जी का दर्शन करने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कई तरह के आपको कार्ड वोड लगे हुए दिखाई देंगे, वहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, तो रैपिडो से लेकर स्कूटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर, टीवी या कोई भी चीज़ है, सबका एड यहाँ पर किया जा रहा है। तो जब से लाइन में लगे हैं करीब आधा घंटा ज़्यादा हो गया, अभी हम सिर्फ 6 पंक्तियों को पार कर पाए। दर्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हैं। दोस्तों अभी हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और अभी भी हम 3 पंक्ति पीछे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं मेन गेट जहां से हमने एंट्री किया था, तो ये थोड़ा सा इन लोगों को मुड़ने दीजिए, देख सकते हैं आप लोग ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं इधर से, ये जगह जो आप लोग देख रहे हैं यहीं पर चेकिंग हुई थी और यहीं से आपको एंट्री करना है और लास्ट से घूमते घूमते आपको चक्कर काटते हुए आना है। ऐसा नहीं है कि जैसे इस एंट्री गेट से आप लोग घुसोगे आपको तुरंत दर्शन मिल जाएगा, यहाँ से अभी आपको 1.5 घंटा लगेगा जहाँ पर हम अभी खड़े हैं यहाँ तक आने में, आपको घूम के पूरा चक्कर काट के यहाँ पर आना पड़ेगा। तो देखिए लोग पीछे से जाके एकदम किनारे उधर खड़े हो रहे हैं और घूम के ऐसे आ रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों अब वो सीढ़ी आने वाली है, जब हम ये सारी पंक्तियों को पार करके दूसरी लाइन में जाएंगे, तो देखिए लोग यहाँ पर किनारे आपको प्रसाद लेकर और पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो इसी सीढ़ी के रास्ते से हमें ऊपर चढ़ना है और देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी तगड़ी भीड़ है, बच्चों से लेकर बूढ़े औरतें और यहाँ पर लड़के भी काफ़ी ज़्यादा मतलब संख्या में आए हैं बाबा जी का दर्शन करने के लिए,
कहीं ना कहीं ये देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा होता है कि अगर आप लोग यहाँ जाओगे ना, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप अकेले हो, मतलब आपको थकान हो रही है, आप एक दूसरे का देख के ना आराम से ऐसा कर सकोगे। देखिए अभी हम ऊपर चढ़ने लगे और कितना ज़्यादा क्राउड है, कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल चलिए सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ये रहा सीढ़ी और अभी हम यहाँ से उतर रहे हैं गाइज। और अभी आपको थोड़ा 3-4 पंक्तियों को जल्दी से आप लोग क्रॉस कर जाओगे, लेकिन फिर आगे जाके आप लोग फंस जाओगे क्योंकि वहाँ से लाइन फिर स्लो हो चुकी है। तो चलिए पहले हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो अभी हम लोग दूसरे पंक्ति में आके खड़े हो चुके हैं और देखिए हमारे आगे भी और बगल में उसी तरह ज़बरदस्त भीड़ है। अब हमें ये सारे लाइनों को क्रॉस करके आगे जाना है। दोस्तों हमने अपनी लाइन ना यहीं से शुरू की थी, देखिए जहाँ से ये सबसे पहली लाइन वहाँ से लग रही है किनारे से, जहाँ वो यहाँ से मैंने शुरू किया था और अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं, बल्कि लास्ट वाली लाइन में हम चल रहे हैं। तो आगे भी हमारा बैग वगैरह सब कुछ चेकिंग किया जाएगा, जितने लोग भी बैग लिए हुए हैं उनको एक लाइन में खड़े कर दिया जा रहा है और जो लोग खाली आते हैं उनको दूसरी तरफ मतलब खड़े कर दिया जा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा बैग भी अपना चेकिंग करवा लेते हैं। ये है चेक पोस्ट 2, जब आप लोग पहले एंट्री करोगे तो एक वहाँ पड़ेगा, वहाँ पे बैग नहीं चेक हो रहा था, और जब आप लोग यहाँ पे आओगे तो एक यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी मशीनें लगाई गई हैं कि अगर कुछ भी रखे होंगे तो तुरंत वो पता चल जाएगा। तो फाइनली गाइज हम लोग अब आ चुके हैं और अभी हम किस रास्ते पे हैं, जो मुख्य द्वार के रास्ते गया हुआ है ना वहाँ पे है। देखिए ये पहले दिन में जब मुंबई के लाल बाग चौराहा जी का वीडियो बनाया था तो ये बगल की दुकानें सारी खुली हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर बंद कर दिया गया है क्योंकि लाल बाग चौराहा जी का दर्शन अब सभी लोग करने आ रहे हैं, तो ज़्यादा भीड़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से सारी दुकानें बंद हैं। अभी हमें फिर से आगे यहाँ पर गाइस भीड़ मिल चुकी है और अब यहीं से हमें धूप में खड़े होना पड़ेगा, करीब 1 घंटे तो यहाँ पे लगेगा जाने में। देखिए 1 घंटे लगता है कि 40 मिनट लगता है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और बगल की जो दुकानें बंद है ना, इनको गाइज किसी को 8 लाख, किसी को 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख ऐसे मिलता है 11 दिन का, जब तक गणपति रहते हैं तब तक। और ये देता कौन है, यही लोग देते हैं, जो लोग बैठाते हैं, जो चढ़ावा चढ़ता है उसी में से लोग देते हैं, ताकि दुकान वालों का भी भला हो जाए। तो देखिए गणपति थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी हम अंदर चल के आपको अच्छे से दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा जूम करके और ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा के मैं दिखा दूँ, देखिए अंदर वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं लाल बाग चा के राजा, और उन्हीं के दर्शन के लिए सभी लोग व्याकुल हैं। हम भी प्रसाद लिए हुए हैं, उनको चढ़ाने की कोशिश करेंगे अपने हाथ से, और इतनी ज़्यादा भीड़ है शायद अपने हाथ से चढ़ाने को ना मिले, किसी को देना ही पड़े जो लोग अंदर हैं उनको चढ़ाने के लिए। तो चलिए और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइज नज़दीक से, तो हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि अब कितनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है और आगे भी काफ़ी भीड़ है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही है लाल बाग चा के राजा गणेश भगवान जी, काफ़ी सुंदर मूर्ति और काफ़ी बड़ी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। और इनके गले में आप लोग जो हार देख रहे हैं ना, और ये हाथ में जो ब्रेसलेट टाइप का ये पहने हुए हैं, वो सब असली सोने का है, और जितनी भी सजावट हुई है ना वो रियल सजावट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना लाजवाब लग रहे हैं ये, और इन्हीं का दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। आपको बता दें बड़े बड़े लोग इनके लिए सोना चांदी का भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, कई जगह दान पेटियाँ भी उसके लिए रखी हुई है, वहाँ पर लिखा है सोना चांदी दान हांडी, और कई जगह लोग पैसे वगैरह भी चढ़ाते हैं। तो गाइज यही है लाल बाग चा राजा, देखिए यहाँ पर इनकी कितनी बढ़िया प्रतिमा बनाई गई है। और आपको बता दें ये मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आती है, यहीं पर बनाई जाती है, और बहुत ही बड़े कलाकार हैं जो बनाते हैं। और अभी हम आपको ऊपर दिखा दें कि ऊपर देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन झूमर से इसको सजाया भी गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी सजावट की गई है, ऊपर यहाँ पर कैमरा मैन लोग भी बैठे हैं जो 24 घंटा टीवी पर लाइव दिखाते हैं, इनकी जो भी आरती होती है जिस भी टाइम सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। और देखिए सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इनको मतलब इनकी तस्वीरों को, इनके वीडियोस को कैद करने के लिए उतारू हैं, सभी लोगों के हाथ में आपको फ़ोन दिखाई दे रहा होगा। और क्यों ना हो भाई, इनकी मान्यता इतनी ज़्यादा है, कोई इनके दर से
खाली वापस नहीं जाता है। तो एक बार बोलिए लाल बाग चराजा जी की जय, गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। जी हाँ दोस्तों, यही है लाल बाग चा के राजा और पूरे महाराष्ट्र के राजा, पूरे दुनिया के राजा गणेश भगवान, सभी के दुखहरता सुखकर्ता। सबसे पहले कोई भी शुभ काम होता है तो गणेश जी को ही याद किया जाता है, ये तो शायद सभी को पता होगा। तो देख सकते हैं आप लोग अंदर कितनी ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाई गई है। और आपको बता दें, दो लाइन यहाँ पर लगाई जाती हैं, एक लाइन मन्नत के लिए होती है जो काफ़ी टाइम बाद आपको मिलता है, और एक तुरंत वाला होता है। तो गाइस फाइनली मैं भी यहाँ पर दर्शन कर चुका हूँ और अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा प्रसाद खरीद लेते हैं और यहाँ पर अभी हम बाहर जाते टाइम भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी है, क्या क्या यहाँ पर मिलता है। तो अभी चलिए दिखाते हैं आपको कि कितनी ज़्यादा नारियल की बोरियाँ यहाँ पर लाकर रखी गई हैं प्रसाद के लिए, और अधिक से अधिक यहाँ पर जो चढ़ावा है वो चढ़ाया जाता है। देखिए वो सब नारियल है, ये सब चढ़ावा चढ़ाया गया है, और कुछ बाहर से भी आती हैं लेकिन ज़्यादातर वो चढ़ावा वाला ही है। यहाँ पर आपको फोटोज वगैरह मिलेंगी, अगर आप लोग दान पेटी में कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ पर दान पेटियाँ लगाई गई हैं। और देखिए यहाँ पर लड्डू का प्रसाद दिया जा रहा है, ये फ्री में नहीं है, पैसे वाला है। 40 रुपये का दो लड्डू और 200 में आपको 5 पैकेट मिलेगा, एक पैकेट में दो लड्डू रहेगा। तो चलिए आगे हम उस वाले दुकान पे प्रसाद ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी भीड़ निकल के आ रही है ना, ये सभी लोग गणपति बप्पा का दर्शन करके बाहर आ रहे हैं, और जो भी बाहर का रास्ता है वो इधर से है। और आपको सामने प्रसाद की दुकान दिख रही होगी, अभी चलिए पहले प्रसाद लेते हैं उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं। गाइज फाइनली हम लोगों का दर्शन कंप्लीट हो चुका है और अभी हमने प्रसाद भी ले लिया है। ये 200 का है, इसमें 5 डिब्बे लड्डू हैं, करीब 5 डिब्बे में हम आपको बता दें तो कितने होंगे, 40 रुपये के दो लड्डू हैं, उसी के हिसाब से लगा लीजिए 200 में कितने लड्डू आएंगे। तो हमने प्रसाद ले लिया अंदर से, अगर आप लोग चाहते हैं तो बाहर से भी ले सकते हैं कम प्राइस में, लेकिन अंदर आपको 200 में मिलेगा ये पूरा और 40 में दो लड्डू मिलेगा। तो देखिए हम बाहर निकल चुके हैं और गाइज इतनी ज़बरदस्त भीड़ है ना कि मानना पड़ेगा। अगर आप लोग सोना चांदी चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, अगर आप कुछ अमाउंट चढ़ाना चाहते हैं तो उसको भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों हम लाइन में लगे हैं करीब 12 बजे का और हमें दर्शन करने का मौका मिला है 3:30 बजे। तो सोचिए आप लोग कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। फिलहाल हम लोग बाहर आ चुके हैं और आप लोग जैसे एंट्री करोगे ना, जो मेन द्वार है उसके बगल से जो गेट बना हुआ है वो है बाहर का गेट, मतलब एग्जिट गेट है। और जितने भी लोग हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं और बहुत मज़ा आया दर्शन करके। तो अभी हम लोग चलेंगे अब अपने घर पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।